सबसे पहले बात करेंगे एग्जिट पोल की, जिसमें गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत नजर आ रही है। बता दें कि एग्जिट पोल में दिल्ली एमसीडी में आपका कब्जा नजर आ रहा है, तो वहीं एग्जिट पोल हिमाचल में कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बता दें कि हिमाचल में बीजेपी के जीतने के आसार लगभग तय है। एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत, तो वहीं आपको बता दें कि अलग अलग एग्जिट पोल यानी पोल के पोल्स को देखा गया तो टीवी 9 के पोल में बीजेपी को 130 में से 128 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, आप में 3 से 5 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर सिमटती नजर आ रही है, तो वहीं अन्य को यहां पर 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़े जब देखे गए तो हिमाचल की अगर बात की जाए यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली एमसीडी में आपका कब्जा बना हुआ है। एग्जिट पोल हिमाचल की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के जीतने के आसार हैं। और जिस तरह से आप देखिए लगातार इन पोल्स के पोल भी जुटाए गए, उसमें भी ये साफ नजर आ रहा है कि गुजरात में बीजेपी को बंपर जीत मिलने वाली है। दिल्ली एमसीडी में आपने कब्जा जमाया है। इंडिया टुडे और ईटीजी के एग्जिट पोल में आपको सफलता मिल रही है। तो बता दें कि इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में आपको सफलता मिली है। 250 सीटों में से आपको 149 से 171 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर 69 से 91 सीट में ही सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को केवल 3 से 7 सीटें, यानी ये कहा जाए कि कांग्रेस इस रेस में नहीं है, लेकिन दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी चमकती हुई नजर आ रही है। देखिए अब गुजरात चुनाव की बात की जाए तो यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीजेपी को यहां बंपर जीत मिल सकती है। आंकड़े आप देख सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अदर अन्य की अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहां 125 से 130 सीटें टीवी 9 बता रहा है, रिपब्लिक भारत 128 से 148 बता रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप की बात की जाए तो इंडिया टुडे ग्रुप के अनुसार बीजेपी को यहां 131 से 151 सीटें मिल सकती है। और देखिए जितने भी हम आंकड़े देख रहे हैं इसमें साफ नजर आ रहा है कि गुजरात चुनाव में इस बार बीजेपी का डंका बजेगा, बीजेपी के जीतने के आसार यहां पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो जहां बीजेपी यहां पर 100 से ज्यादा सीटें सभी चैनल्स के हमने देखे एग्जिट पोल, उनमें दावे कुछ इसी प्रकार है कि कांग्रेस 100 के आंकड़े को भी नहीं छू रही है, लेकिन बीजेपी है जो 100 के पार निकल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए, रेस में आम आदमी पार्टी का घोड़ा भी दौड़ रहा है लेकिन काफी कम सीटें। चलिए आप दिखाते हैं आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़े आंकड़े, जिसमें बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। कुछ कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर भी नजर आ रही है। जिस तरह से अलग अलग एग्जिट पोल्स पर हम नजर डाला उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बीजेपी यहां पर 33 से 34 सीटों पर बन सकती है और ज्यादा से ज्यादा 42 सीटों पर, इससे ज्यादा बीजेपी को यहां सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के ही जीतने के आसार हैं। क्योंकि अगर आप कांग्रेस के आंकड़ों को देखें तो यहां पर कांग्रेस के आंकड़े भी लगभग बीजेपी के आसपास ही नजर आ रहे हैं, यानी ये कहा जाए कि हिमाचल में दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो हिमाचल में जहां आम आदमी पार्टी के आसार बहुत ही कम है, शून्य के ही आसपास नजर आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस में यहां कांटे की टक्कर है। तो देखिए दिल्ली में अब नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी यहां पर लगभग जीतना माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यहां पर लोगों का दिल जीता है एग्जिट पोल बयां कर रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली एमसीडी चुनाव की कुल सीटें 250 है, जिसमें अलग अलग एग्जिट पोल्स में जब हमने नजर डाली है तो आम आदमी पार्टी को 150 से ज्यादा सीटों पर यहां पर आका गया है। आपको बता दें कि यहां पर अलग अलग आंकड़े हमने देखे जिसमें बीजेपी तो फिर भी आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है, लेकिन कांग्रेस यहां पर चमकती हुई नजर नहीं आ रही है।
तो देखिए एग्जिट पोल अलग अलग हमने देखे हैं, आंकड़े भी आपको दिखाए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति स्पष्ट है। जैसा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव की अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से देश की राजधानी की जनता ने आम आदमी पार्टी को नगर निगम लेवल पर भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े ये चुनाव थे और उसमें जहां पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया है, देखना होगा कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो क्या कुछ होगा। इस खबर पर अधिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, जिस तरह से हम एग्जिट पोल्स पर नजर डाल रहे हैं, चाहे फिर वो हिमाचल हो, गुजरात हो और या फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के तो अपने अपने आंकड़े लगातार सामने आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी रेस में हर जगह दौड़ती नजर आ रही है। दिल्ली एमसीडी की बात करें तो यहां तो जीत की ओर है आम आदमी पार्टी। ऐसा कौन सा जादू का एक ये कहा जाए कि जादू की छड़ी केजरीवाल चला रहे हैं कि पहले दिल्ली, पंजाब और अब हम देख रहे हैं हर चुनाव में उनके रेस के घोड़े लगातार दौड़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास दो चीजें हैं। एक तो जैसा उन्होंने अपना नाम ही उस पार्टी ने नामकरण किया है कि आप, तो वो ये कह के वो एक कनेक्ट करने की कोशिश समाज के उस वर्ग से करते हैं जिस वर्ग को ये लगता है कि तंत्र में उसकी बात सुनी नहीं जाती है। वो रिक्शा चलाने वाला भी है, वो टैक्सी चलाने वाला भी है, वो खेतीहर मजदूर भी है और खासतौर से जो शहरी श्रमिक वर्ग है उससे, क्योंकि उसके सपने हैं। गांव में जो खेतीहर श्रमिक है, ऐसा नहीं है कि सपने उसके नहीं है, लेकिन शहर जो मजदूर आता है और जो दो वक्त की बड़ी मशक्कत के बाद रोजी रोटी हासिल करता है, उसकी आंख में सपना ये भी होता है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके लिए भी हेल्थ के लिए वही सुविधाएं हो। अगर उसकी पत्नी को खांसी है, निरंतर बनी है, टीबी हो गई है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको भी वही सुविधा मिले जो बड़े अस्पतालों में जिनकी जेब में पैसे हैं उनको मिलती है। आम आदमी पार्टी ने सपने को शहरी जो समाज का गरीब तबका है उसकी आंखों के सपने को बखूबी पढ़ा और दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहां देश के हर कोने से आया हुआ गरीब वर्ग का व्यक्ति मजदूर में बदल जाता है। वो कहीं पुताई करने का काम करता है, कहीं वो मैकेनिक हो जाता है, कहीं वो सफाई कर्मचारी है, लेकिन उसका सपना है कि उसका भी एक घर हो, उसका भी बच्चा हो, उसको भी हेल्थ की, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी। और जो आरोप भी लगाया गया आम आदमी पार्टी पर कि रेवड़ियां बांटती है, तो रेवड़ियां कभी भी चुनावी राजनीति में बेअसर नहीं होती हैं और रेवड़ियां हमेशा नतीजे लेकर भी आती हैं, लेकिन ये आरोप सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही नहीं लगाया जाना चाहिए। समय काल परिस्थितियों के अनुरूप हर राजनीतिक दल ने इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अब आगे देखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें ये एग्जिट पोल तो बीजेपी के लिए काफी उत्साहजनक है, क्योंकि गुजरात वो सिर्फ न सिर्फ जो हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में कि 49% वोट वो लेके आगे बढ़ रही है, यानी अपनी कंटेम्प्ररी पार्टियां उसके कहीं नजदीक भी खड़ी नहीं है गुजरात में। और ये ट्रेंड हम बीते 27 सालों से गुजरात में देख रहे हैं कि वहां गुजरात में बीजेपी के अलावा कोई नहीं। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश में जहां रोटी पलटने का रिवाज है हर चुनाव में, इस बार वहां भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, हालांकि नजदीकी मुकाबले के आसार कांग्रेस के साथ वहां बन रहे हैं। एमसीडी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये बात बीजेपी को चुभेगी, लेकिन हिमाचल में अगर उसकी सरकार बनती है और गुजरात में वो आम आदमी पार्टी को 10 से नीचे के आंकड़े पर रोक देती है, 3 से 5 के बीच में आपकी सीटें आती हैं, तब भी बीजेपी के लिए मुस्कुराने की बहुत मजबूत वजह होगी। और अगर कांग्रेस जो है वो 15 से 20 के बीच में सिमटती है और आम आदमी पार्टी उसकी जगह लेके 15-20 इक्वली हासिल करती है, तो जरूर ये कहेंगे हम कि हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ें जमाने के लिए इनिशियल तैयारी गुजरात में भी कर ली है, लेकिन ये सब नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। बिल्कुल सही कहा शरद जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लगातार आम आदमी पार्टी जो आम आदमी से जुड़ी हुई पार्टी कही जाती है, लोगों की समस्याओं को सुनती है और कुछ इसी प्रकार के आंकड़े भी सामने आए हैं एग्जिट पोल में, जहां हम एमसीडी में साफ देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया है, यानी ये कहा जाए कि बड़ी सरकार के अलावा छोटी सरकार भी लोग आम आदमी पार्टी की ही दिल्ली में चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, अगर हम हिमाचल की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में काफी नजदीकी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर बहुत कम सीटों पर है।
गुजरात में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के भले कुछ ही घोड़े वहां दौड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिस्टेंस दिखा रही है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की पार्टी कहीं ना कहीं अपना जादू बिखेर रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, देखना होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो किसकी किस्मत चमकेगी।